हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 15.7.7 के नए अपडेट में हम डायनामिक आइलैंड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, जो डायनामिक आइलैंड है वो आपको आईफोन 14 सीरीज से शुरू देखने को मिलता है। बट हम अपने आईफोन 7 पे, 6s पे और आईफोन 7 प्लस पे और किसी भी डिवाइस में डायनेमिक आइलैंड को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस में, जिसका नाम है विजी। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने आईफोन पे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैनेज के ऊपर टैप करना है। मैनेज के ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट आपको सेटअप करना है, जो कि आपकी एम्प्टी होम स्क्रीन का होगा। कैसे स्क्रीनशॉट करना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसको आपने साइड पे करना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इस ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपको इस वॉलपेपर को स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना है। यह है अपना स्क्रीनशॉट, जो भी आपने किया होगा उसको आपने ऐड कर देना है। उसके बाद टिक के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, अपने आईफोन को आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। मेरे पास आईफोन 7 है तो मैंने आईफोन 7 पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको एक्सप्लोर के ऊपर टैप करना है। एक्सप्लोर के ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर डायनेमिक नोच का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको डायनेमिक विजिट का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड का विजिट देखने को मिलेगा। स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उस विजिट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से विजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस नई एप्लीकेशन में। बट आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड का विजिट चाहिए तो आपको यहाँ पर स्वाइप करते जाना है। जैसे स्वाइप करते जाओगे आपके सामने वो विजिट आ जाएगा डायनेमिक आइलैंड का। इस ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है, इम्पोर्ट कर देना है इस विजिट को। उसके बाद आपको मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मीडियम साइज विजिट में जाना है। मीडियम विजिट स्लॉट के ऊपर टैप करके आपको डायनेमिक आइलैंड विजिट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टॉप के ऊपर आपको इसकी पोजीशन चाहिए। यहाँ पर आपको फिक्स परमिशंस के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आपको इसे यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब आप यूज़ कर सकते हो डायनेमिक आइलैंड के विजिट को अपने आईफोन के ऊपर। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको प्लस बटन के ऊपर टैप करना है, स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर विजिट को सिलेक्ट करना है। विजी के एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मीडियम साइज विजिट को ऐड कर देना है। ऐड विजिट के ऊपर टैप करके यहाँ पर आपको प्रेस करना है इस ऑप्शन के ऊपर, जिसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए डायनेमिक आइलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन भी प्रोवाइड करता है डायनेमिक आइलैंड जैसी। इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके केस में ये इन्फॉर्मेशन बताएगा आपके सिस्टम की। यहाँ पर टैप करोगे आपके सामने फिर से डायनेमिक आइलैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने आईफोन में डायनेमिक आइलैंड को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।